of New Learning to Communicate course book, class 6th, A Visit to the Doctor, section 2 of your course book. So let's get started. सेक्शन टू का ये जो चैप्टर है इसको कवर करेंगे हम, डिफिकल्ट वर्ड्स को कवर करेंगे और साथ में मैं आपको इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी. अ विजिट टू अ डॉक्टर. रोआल्ड डाल इज परहैप्स अ मोस्ट फेमस चिल्ड्रन राइटर इन रीसेंट ईयर. हियर अ मेमोरेबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो जिसको हम आत्मकथा कहते हैं. जब कोई अपने बारे में कुछ लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. तो यहाँ पर अ विजिट टू द डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास की विजिट के बारे में राइटर या नरेटर हमें कुछ बता रहे हैं अपनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से. उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा था और उसी एक्सपीरियंस को उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था डॉक्टर के साथ इस नरेटर का. A visit to the doctor can be very frightening for one of the little child, especially when he sees needles, knives and scissors lying around. आप मुझे बताइए कि आपको डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगता है क्या? लेकिन नरेटर बताते हैं कि ये एक बहुत डरावना, फ्राइटनिंग यानी कि बहुत डरावना एक्सपीरियंस होता है एक बच्चे के लिए, स्पेशली तब जब उसे अपने आसपास नीडल्स यानी सुई, नाइव्स यानी कैची, सॉरी चाकू और सीजर्स यानी कि कैची नजर आ रही हो. तो आई वंस हैड टू मेक अ विजिट टू अ डॉक्टर फॉर एन ऑपरेशन व्हेन आई वाज विद माय ग्रैंड पेरेंट्स इन ओस्लो इन नॉर्वे एंड आई हैव नेवर फॉरगॉटन इट. तो अब नरेटर को याद आता है कि एक बार उन्हें एक डॉक्टर के पास जाना पड़ा था एक ऑपरेशन के लिए. तब जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यानी कि नाना नानी या दादा दादी कोई भी हो सकते हैं उनके साथ रहते थे, स्पेशली यहाँ पर नाना नानी की बात हो रही है. जब वो अपने नाना नानी के पास गए थे, इनके नाना नानी ओस्लो नॉर्वे में एक जगह है वहां पर रहते थे, नॉर्वे एक कंट्री है एंड आई हैव नेवर फॉरगॉटन इट. और वो बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था इसलिए नरेटर उस एक्सपीरियंस को कभी भी भूल नहीं पाए. वी वर विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज. अब नरेटर बताते हैं कि वो अपने नाना नानी के घर हमेशा गर्मियों की छुट्टी में जाया करते थे. When my mother said to me, we are going to the doctor this afternoon, he want to look to your mouth and nose. जब उसकी नरेटर की माँ ने नरेटर को बताया कि आज वो लोग डॉक्टर के पास जाने वाले हैं आज की दोपहर, क्योंकि डॉक्टर उस बच्चे के नोज और माउथ को देखना चाहता है. अब बच्चा सोच रहा है कि भाई मेरे नोज और माउथ को क्यों देखना चाहता है डॉक्टर भाई, ऐसी क्या खास बात है मेरे नोज और माउथ में. तो बच्चा पूछता है, what is wrong with my mouth and nose, I asked. बच्चा पूछता है कि मेरे माउथ और मेरे मुंह और नाक को क्या हुआ, क्यों डॉक्टर देखना चाहता है इसे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नथिंग मच माई मदर सेड, बट आई थिंक यू हैव गॉट एडेनॉइड्स. तो मम्मा कहती है कि कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है पर शायद तुम्हें एडेनॉइड हुआ है. एडेनॉइड होता क्या है, एक तरीके से स्वेलिंग हो जाती है गले और नाक के पीछे, गले की तरफ एक तरीके की पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ स्वेलिंग हो जाती है जिसे ऑपरेट करके निकालना पड़ता है. नाउ दैट वॉज अ डिफरेंट वर्ड फॉर एन 8 ईयर ओल्ड, सो आई आस्क्ड व्हाट आर दे. अब वो बच्चा है 8 साल का, उसे पता नहीं है कि ये चीज होती क्या है, एडनॉइड्स होते क्या है. तो वो अपनी मम्मा से पूछता है कि वो क्या होता है. शी टोल्ड मी नॉट टू वरी अबाउट इट. तो मम्मा कहती है चिंता मत करो, इट वॉज नथिंग, आई हेल्ड हर हैंड एज आई वॉक टू द डॉक्टर्स हाउस. तो मम्मा कहती है चिंता मत करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अब बच्चा अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लेता है और डॉक्टर के यहाँ जाने लगता है. When we got there, I was lifted up into a kind of dentist chair in the treatment room. जब लोग वहां पहुंचते हैं तो एक डेंटिस्ट की चेयर होती है, एक स्पेशल टाइप की चेयर होती है जो आपको यहाँ फिगर में नजर भी आ रही होगी. तो यहाँ पर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर ने अपने देखिए यहाँ पर एक बना रखा है, कुछ इमेज लगा रखी है, एक तरीके का शीशा होता है जिसमें लाइट्स होती हैं. उसी लाइट्स की मदद से डॉक्टर हैड राउंड मिरर स्ट्रैप्ड टू हिज फोरहेड एंड ही लुक्ड इनटू माय माउथ एंड अप टू नोज. और डॉक्टर ने क्या किया, इस बच्चे की माउथ और नोज में देखने लगा. देन ही टुक माय मदर टू वन साइड एंड हैड अ क्वाइट टॉक विद हर. आई सॉ माय मदर लुकिंग वेरी सीरियस एंड शी अग्रीड टू व्हाट ही वाज सजेस्टिंग. इसके बाद डॉक्टर जाते हैं मामा के पास में और मामा से कुछ बात करते हैं धीरे धीरे. तो ये सारी बातें जब वो हो रही हैं तो बच्चा अपनी मम्मा के एक्सप्रेशंस देख रहा है और देख रहा है कि मम्मा बहुत सीरियस नजर आ रही हैं और डॉक्टर की हाँ में हाँ मिला रही हैं, यानी जो भी डॉक्टर कह रहे हैं उससे अग्री कर रही हैं. आई वॉच द डॉक्टर एज ही बॉइल्ड सम वाटर इन मेटल मग.
अब ये बच्चा डॉक्टर को देख रहा है और डॉक्टर क्या कर रहा है, एक मेटल के मग में कुछ पानी को गर्म कर रहा है। He then placed a long time shiny, long thin shiny instrument in it. इसके बाद वो क्या करते हैं, एक पतला सा चमकदार लंबा सा कुछ चीज जो है पानी में डाल देते हैं। I was not frightened as or worried as I was too young to realize that something out of ordinary was going to happen. बच्चे को डर भी नहीं लगता क्योंकि वो इतना छोटा है, उसे पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो नर्स एंटर्ड, इसके बाद नर्स आती है। she tied a red rubber apron around my neck. अब वो उसके बच्चे के गले में पूरा एक रेड कलर का पूरा एक कपड़ा पहना देती है, बांध देती है एक तरीके से। It was very big. और इतना बड़ा कपड़ा होता है, इस बच्चे को बहुत बड़ा हो रहा है। Then she held a curved bowl under my chin. It curved fitting perfectly against my chest. इसके बाद वो एक curved बाउल होता है जो बच्चे के ठुड्डी के पास लगा देती है और वो इतनी परफेक्टली इस बच्चे के ऊपर सेट हो जाता है, बॉडी पे, चेस्ट पे, कि लगता है जैसे कि एकदम परफेक्ट फिट हो गया है। द डॉक्टर बेंट ओवर मी, अब डॉक्टर बच्चे के ऊपर झुकता है, होल्डिंग दैट लॉन्ग शाइनी इंस्ट्रूमेंट, एंड टू दिस डे आई कैन रिमेम्बर इट परफेक्टली। बच्चे के ऊपर वो डॉक्टर थोड़ा सा बेंट होता है और हाथ में वही इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, शाइनी सा, लॉन्ग, पतला सा। इट वॉज अ थिक एज पेंसिल एंड हैड मेनी साइड्स टू इट। वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो पतला है पेंसिल की तरह, उसके बहुत सारे साइड्स निकले हुए हैं। एंड एट द एंड द मेटल बिकेम मच थिनर, और अंत में जाते जाते वो एकदम पतला है। एंड इन दिस वे सेट अ मेटल ब्लेड एट द एंगल, और इसके बाद इसके एंड में जाके एक ब्लेड भी लगा हुआ है। द ब्लेड वॉज जस्ट अ सेंटीमीटर लॉन्ग, और ब्लेड कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक सेंटीमीटर लॉन्ग है खाली। Very small, very sharp and very shiny. तो बहुत छोटा है, बहुत sharp है, बहुत shiny है। The doctor said, Norwegian, open your mouth. Norwegian क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्वे का है वो, है ना, नॉर्वे, ओस्लो नॉर्वे में था ना, तो इसलिए नॉर्वे के लोगों को नॉर्वेजियन कहा जाता है। डॉक्टर कहते हैं नॉर्वेजियन अपना मुंह खोलो। I refused as I thought he was going to do something to my teeth. तो बच्चे ने मुंह खोला ही नहीं क्योंकि उसे लगा कि मेरे दांत के साथ कुछ करना दे। And from my past experience, I knew that it would be painful. और बच्चे को पता था पास्ट के एक्सपीरियंस के थ्रू कि ये बहुत दर्दनाक काम करेंगे, कुछ ना कुछ मेरे चोट पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। द डॉक्टर स्पोक अगेन वेरी जेंटली एंड लाइक अ फूल आई अग्री टू ओपन माय माउथ, इट वोंट टेक टू सेकंड, ही सेड। अब डॉक्टर ने फिर से बड़ी प्यार से कहा, बेटा मुंह खोलो। अब बच्चा समझ नहीं पाया और उसने वेव कोफो की तरह मुंह खोल दिया। डॉक्टर ने कहा मैं तुम्हारा 2 मिनट भी नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट में काम हो जाएगा। द टाइनी ब्लेड डिसअपीयर्ड एंड वेंट up into the roof of my mouth. तो जो पतला ब्लेड की बात कर रहा था ना, ये वो ब्लेड अब नजर नहीं आ रहा है और वो ब्लेड जो है बच्चे के माउथ के रूफ में जाके लग गया है। डॉक्टर गेव द ब्लेड 4 or 5 वेरी क्विक लिटिल ट्विस्ट एंड द नेक्स्ट मोमेंट अ होल लॉट ऑफ ब्लड एंड फ्लैश कम टम्बलिंग आउट इन टू द बेसिन। इसके डॉक्टर क्या करता है, अंदर जाता है और थोड़ा सा उस ब्लेड को ऊपर नीचे हिलाता है, ट्विस्ट करता है क्विकली, और इसके बाद क्या होता है, उसके मुंह से बहुत सारा खून और बहुत सारा कह सकते हैं फ्लैश, मांस बाहर निकलने लगता है, बेसिन में बहने लगता है। I was horrified by the huge red lumps that had fallen out of my mouth and too shocked to do anything but let out a yelp. अब इसके बाद क्या होता है कि जब वो बच्चा देखता है, अरे बाप रे मेरे मुंह से इतना खून निकल रहा है, तो बच्चा एकदम से शॉक हो जाता है, डर जाता है और येल्प यानी कि तीखी सी आवाज, दर्द भरी आवाज निकाल के रोना शुरू कर देता है। I thought that the doctor has cut off the middle of my head. और उसको लगता है डॉक्टर ने उसका सर ही काट डाला है पूरा। The doctor simply said those were your adonates. डॉक्टर कहते हैं यही एडोनेट्स हैं जो तुम्हारे एक्स्ट्रा मसल्स निकल आए थे, इसे ही मैंने काट के हटा दिया है। I sat there. अब बच्चा वही बैठ जाता है, ब्रीदिंग हार्ड, गहरी गहरी सांसें ले रहा है, बहुत मुश्किल से सांसें ले रहा है। द रूफ ऑफ माई माउथ सीम्स टू बी ऑन फायर, और इतना दर्द हो रहा है, इतनी जलन हो रही है, जैसे लग रहा है कि किसी ने आग लगा दी हो मुंह में। आई ग्रैब्ड माई मदर हैंड एंड हेल्ड इट टाइटली, ये अपनी मम्मी का हाथ पकड़ता है और जोर से हाथ पकड़ा रहता है। स्टे वेयर यू आर, द डॉक्टर सेड, यू विल बी ऑल राइट इन अ मिनट। डॉक्टर कहता है जहां हो वही रहो, तुम अभी 1 मिनट में बिल्कुल सही हो जाओगे। I was still dripping blood from my mouth into the bowl which the nurse was holding. अभी भी इस बच्चे के मुंह से ब्लड निकल रहा है और उस बाउल में गिर रहा है जो नर्स ने पकड़ा हुआ है। Spit it out, she said. There's a good boy. तो नर्स कहती है कि इसको ब्लड को इसी में थूक दो। Yes,
दिस इज अ गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो. देन द नर्स वाइप्ड आउट माई लिप्स एंड वॉश्ड माई फेस. इसके बाद नर्स जो है उसके होठों को साफ करती है, पोंछ देती है और इसके अलावा उसके चेहरे को भी धो देती है. दे लिफ्टेड मी आउट ऑफ द चेयर एंड स्टूड मी ऑन माई फीट. आई फेल्ट वेरी शेकी. इसके बाद बच्चे को उस चेयर से उतार दिया जाता है और जब वो नीचे खड़ा होता है तो उसे एकदम शेक कप 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 ही छूटने लगती है. My mother took my hand and we walked the full half hour it took to reach the home. इसके बाद ये लोग पैदल पैदल घर पहुंचते हैं. आधे घंटा लगता है घर पहुंचने में. No trolley car or taxi for me. इस बच्ची बच्चा सोचता है बताओ इतना बड़ा मेरा ऑपरेशन भी करा दिया और ये नहीं कि एक टैक्सी कर लें, पैदल ही लेके आ रहे हैं मुझे. My grandmother said, let him sit in that chair and rest for a while. घर पहुंचने के बाद इनकी दादी कहती हैं या नानी कहती हैं कि इस बच्चे को बैठ जाने दो और उसको रेस्ट करने दो. After all, he had an operation, क्योंकि इसका एक ऑपरेशन हुआ है. So I sat near her and she covered one of my hand and both of her and said, that won't be the last time you will go to the doctor and will be a bit of luck. They want to do you too much harms. तो इसके बाद दादी जो है उसको कंसोल कर रही है, उसके हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ लेती है और कहती है कि चलो ठीक है, जो भी चीजें हुई हो गई पर तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है. That was in 1924 when taking out a child tonsils as well as adenoids without any anesthesia stick. Basically, anesthesia होता क्या है, एक तरीके का एक ऐसा दवाई होती है जो आपके बॉडी के किसी पार्ट को सुन्न कर देती है. जैसे जब ऑपरेशन होते हैं तो एनेस्थीसिया दे के आपके बॉडी के पार्ट को सुन्न कर दिया जाता है, उसके बाद अगर काटा जाता है ना तो आपको दर्द नहीं होता. लेकिन ये उस जमाने की बात है 1924 में, जब एनेस्थीसिया का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था. और इंसान के टॉन्सिल्स निकालने हो या फिर ये जो बच्चे को बीमारी थी एडोनिट्स वाली, इसको निकालना हो तो ऐसे ही कट करके निकाल देते थे, ये भी नहीं कि सुन्न कर दें, दर्द हो रहा है तो होने दो. एंड इट वॉज वेरी कॉमन दोज डेज, उस समय बहुत आम बात थी. अब नरेटर कहते हैं, आई वंडर, मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है, वॉट वुड यू थिंक इफ अ डॉक्टर डिड दैट टू यू टूडे. अगर डॉक्टर आप लोगों के साथ ऐसा करे आज के समय में तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि आज के टाइम पर तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई, दर्द भी नहीं होता, लेकिन उस जमाने की बात अलग थी. तो ये एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है नरेटर का. आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे.